प्लीज आज मैं फिर से एक और बार हाजिर हूँ आपके सामने। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं सोच रही थी आपके ड्राइंग रूम की गर्मी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। मैं आज बनाने जा रही हूँ फाउंटेन, तो उसके लिए मेरे को मटेरियल लगेगा। मैंने ये सिरेमिक बोला हुआ है ऑलरेडी, सिरेमिक बाज़ार से आप लाकर उसमें पानी मिक्स करके ऐसे घोल सकते हैं। देन एक मटकी ली हुई है मैंने ये, और अगर आपके पास छोटी छोटी क्रीम की डिब्बियाँ हो तो वो क्रीम की डिब्बियाँ आप ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सिरेमिक से कोटिंग करी हुई है सारी चीज़ों की। दो डंडियाँ, तीन डिब्बी लगेंगी हमारी, और तीन ऐसी जाके मटकी लगेंगी दो। और ये मैंने थर्माकोल का पीस काट के ऑलरेडी सिरेमिक किया हुआ है। ये ऐसे आप सिरेमिक की कोटिंग कर सकते हैं। अब सिरेमिक की कोटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिरेमिक लेंगे और इसको हम ऐसे कोटिंग कर सकते हैं। थोड़ा हल्का हल्का सूखने के बाद ना आप फिर से इसको कोटिंग कीजिए, जिससे ये बिल्कुल मतलब चिकना सा हो जाएगा। चिकना बोलते हैं जिसको, बिल्कुल एक सा सरफेस हो जाएगा इसका, कहीं मोटा कहीं हल्का ऐसा नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास तो डिब्बियाँ अवेलेबल नहीं है तो आप इस स्टील की भी चटनी वाली है, छोटी छोटी कटोरियाँ आती है वो ले सकते हैं, या फिर मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं उनके अलावा। ये हो गई है मेरी कोटिंग, अब मैं इसको सूखने के लिए रख देती हूँ। यहाँ सिरेमिक का काम खत्म होता है, बस मैंने सारी पहले ही ऑलरेडी कोटिंग कर ली थी। अब मैं आपको एक कलर करके दिखा रही हूँ कि कैसे कलर करते हैं। ये मैंने गोल्डन पर्ल कलर लिया हुआ है। अगर आपको गोल्डन नहीं करना तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, बट मैंने गोल्डन बेस के लिए इसलिए लिया है बिकॉज इस पर फिर मैं कोई सी भी कलर से डिज़ाइन बना सकती हूँ। सारे कलर्स की डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेंगी और बहुत अच्छी लगेंगी। गोल्डन कलर बेस्ट रहता है, या फिर कॉपर कलर बेस पे ले सकते हैं आप। बहुत इजी है ये बनाना। आप अपनी बेटियों को जो 7th 8th क्लास में पढ़ती है या थोड़ी और बड़ी है, वो बड़े बच्चे तो आराम से बना लेते हैं, बट छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा टैकल करना होता है। बट 7th 8th क्लास में जो बच्चे हैं पढ़ते हैं वो भी सीख सकती है। अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उनमें आप अपने बच्चों को घर बैठे ही ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको शेडिंग करनी है या बच्चे गलत कर देंगे, ऐसा नहीं है। कि मोटा पतला कलर ना हो, कहीं डार्क कहीं ज़्यादा हल्का, ऐसा ना हो, सारा कुछ एक सा ही लगे देखने में, तभी सुंदर लगेगा। बस फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है हर चीज़। ये हो गया हमारा कलर। ऐसे ही मैं सारी चीज़ों को कलर कर लूँगी। बेस में इसका ये वाला बेस जो है स्क्वायर में, वो मैं इसको गोल्डन से नहीं करके ब्लैक से करूँगी, बिकॉज ब्लैक और गोल्डन का मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो और डंडियाँ भी मैं ब्लैक कलर से ही करूँगी, और इससे मैं इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। कुछ ऐसी आएगी, ये रोजेस बनाऊँगी और लीव्स बनाऊँगी। तो मैं इसकी एक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। फर्स्टली इसको गोल करा, देन इसको हम लंबा करेंगे। लंबा करके इसको ऐसे करके स्ट्रेच करेंगे। अब स्ट्रेच करके मैं इसका फ्लावर बनाऊंगी। बहुत इजीली बन जाता है, कहते हैं रोज़ का फ्लावर बहुत टफ होता है, बट बहुत इजीली बन जाता है रोज़ का फ्लावर। ये हमारा बन गया रोज़ का फ्लावर, इसको हम ऐसे फैला देंगे।
और अब फेविकॉल लेके यहाँ पर स्टिक कर देंगे। मैंने सिक्वेंसिंग में लिया है दो पत्तियाँ और फिर एक रोज़ का फ्लावर, आप चाहें तो डिफरेंट कर सकते हैं थोड़ा। अब मैं लीव्स बनाऊंगी, पहले गोल करा, इसको ऐसे करके लंबा ये हो गया। इसको मैंने काट दिया और अब ये फेविकॉल लग जाएगा इसमें। ये ऐसी करके सिक्वेंसिंग आएगी, बस ऐसी करके हम सब पे बना लेंगे। अब मैं इसमें कलर करने जा रही हूँ, फर्स्टली ब्राउन कलर। ये तो छोटी पेंटिंग बना रही हूँ तो मैंने इसमें डायरेक्टली कर रही हूँ, बट अगर आप लोग बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं जैसे मैं अभी बनाऊंगी वॉल वॉच वगैरह, तो उसमें ना सबसे पहले ऑयल पेंट बेस पर किया जाता है जिससे ना शाइन आती है कलर्स में अपने आप। फिर आपको उसमें स्पार्कल कलर्स वगैरह ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें स्पार्कल कलर्स वगैरह ही करें, आप ऑयल पेंट करके कोई भी डार्क कलर का ब्राउन देन मैरून कोई भी ऑयल पेंट देकर आप उसको बेस कर दीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर फैब्रिक कलर्स कर सकते हैं आराम से, तो इजीली वो कलर भी हो जाएंगे और शाइन भी आएगी। ये हो गया हमारा ब्राउन कलर। मैं अब इस पे करने जा रही हूँ सेकंड वन डिजाइन है हमारी, ये मैंने कलर्स लिए हुए हैं छोटे छोटे, आप चाहें तो कुछ भी प्लास्टिक की मटकी या डिब्बी कुछ भी ले सकते हैं जो आप चाहें, जो आपके घर में एक अवेलेबल हो, जल्दी से सामान जो अवेलेबल होता है वो हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले, तो हम ये ले सकते हैं। कलर ज्यादा नहीं भरना, फर्स्ट ना वो कलर ना वैसा भर जाएगा, डिजाइन को छुपा देगा कलर, जैसे अभी इसमें डिजाइन छुप गई है, तो इस कलर को पोंछते हुए थोड़ा, और आप ब्रश से करना चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं ऐसे करके। अच्छे से फिनिशिंग देते हुए आप एक बार में कलर कर देंगे तो बेटर रहेगा। ग्रीन कलर कर दिया है इसमें, ऐसे ही करके मैं दूसरे में भी कर दूंगी। स्टार्ट। अब मैंने ना ये ले लिया है बेस, उस पर मैंने दो स्टिक थर्माकोल के ऊपर मैंने दो स्टिक करी हुई है, मैं इस पर बेल बनाने जा रही हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से लूंगी बेल, ये मैंने क्ले की लंबी सी गोली बनाई हुई है।
आ जाएगी और मुझे एंडिंग पे क्ले जानी है, तो मुझे क्ले और अभी इसमें लगाती हूँ क्ले। ये अब मैं इसमें मार्बल्स पेबल्स बना के इसमें ये लगा रही हूँ, जिससे ये है ना डेकोरेशन में अच्छा आएगा। फाउंटेन के नीचे वैसे भी पेबल्स वगैरह होते हैं, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्राउन ब्लैक और ग्रीन एंड ब्लैक मिक्स करके बनाया हुआ है, आप इसमें ये कर सकते हैं। दिया है इस पे मैंने ये कलश करा है और अब ये इसमें कटोरियाँ, ये मैंने वाइट वाइट जो लगाया वो ब्लू स्टिक है जो मैंने ऐसे पिघलते हुए दिखाई, जिससे ऐसा लगेगा कि पानी गिर रहा है। अब इसमें सिर्फ मेरी को अब स्टोन वर्किंग रह गई है डेकोरेशन, जो मैं इसके फ्लावर्स और लीव्स पे थोड़ा बहुत करूँगी, और वैसे ये बिल्कुल कम्प्लीट ही है, बस इसमें डेकोरेशन रह गई है। बहुत ईजीली बन गया ये, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये डिब्बियाँ मैंने क्रीम की यूज़ करी थी, आपके पास जॉय की डिब्बियाँ होती हैं फ्रूट क्रीम की आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने मेटल का यूज़ करा था। कलर्स जो है अब बस इसमें डेकोरेशन कराया गया, वो मैं डेकोरेशन करूँगी। सो हमारा फाउंटेन तैयार है, आर्टिफिशियल फाउंटेन। मैंने इसमें ये ग्लू स्टिक से करा हुआ है, यहाँ पे पानी दिखाया है निकलता हुआ, और इसमें स्टोन्स लगाए हुए हैं, एंड देन गोल्डन चेन से मैंने वर्किंग कर दी है थोड़ी सी। मैंने इसको ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, बिकॉज ना सिंपल सोवर चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो बहुत जल्दी बन सकता है, आप समर कैंप पे अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं, बहुत इजीली है। अगर आपको कलश नहीं मिल रहे हैं तो आप तो बचे हुए बॉटल के ढक्कन हैं, देन क्रीम की डिब्बियाँ हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, घर में से ही मटेरियल निकाल सकते हैं। बस आपको क्ले लाना पड़ेगा मार्केट से या घर में बनाना पड़ेगा। मैंने इस क्ले को पेपर मैशी से बनाया है, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से घर में। तो लेडीज़, ये था हमारा आर्टिफिशियल फाउंटेन, आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। सो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, जिन्होंने भी किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ अपनी इसको आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को। सो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन बना होता है वीडियो के नीचे, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू लेडीज़।